रिसेंटली आने वाले कई सारे फिल्मों का बड़े अपडेट अनाउंस हुई है और जहाँ पर केजीएफ 2 से शुरू करके स्टारस्टप अल्लू अर्जुन का नया फिल्म का अपडेट भी शामिल है। दोस्तों और कौन कौन सी फिल्म है इस लिस्ट पर, जानने के लिए शुरू तक ये वीडियो जरूर देखना और एक लाइक भी देना। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। नंबर 8, राधेश्याम रिलीज डेट पोस्टपोन्ड। और जहाँ पर डार्लिंग प्रभास का मोस्ट अपकमिंग रोमांटिक फिल्म है राधेश्याम, और जो रिलीज होने का प्लान था 30 जुलाई 2021 में, और वो भी सिर्फ वन लैंग्वेज पर नहीं बल्कि पैन इंडियन में, यानी कि तेलुगु के अलावा भी हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में। पर जहाँ पर कोरोना के सेकेंड वेव की वजह से राधेश्याम का पोस्ट प्रोडक्शन की काम बंद है, और इसी वजह से मेकर्स ने जुलाई पर नहीं बल्कि दूसरे डेट पर करने वाले है राधेश्याम को रिलीज। और जहाँ पर लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक राधेश्याम दशहरा फेस्टिवल पर रिलीज हो सकते हैं, और जल्द ही रिलीज डेट से जुड़कर एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगा। नंबर 7, थलाइवे रजनीकांत का 169। जहाँ पर थलाइवे रजनीकांत अपने नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट अन्नाथे को लेकर है काफी बिजी, और जहाँ पर अभी अन्नाथे का शूटिंग बंद है। पर दूसरी तरफ उनका नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट 169 को लेकर एक नया अपडेट सुनने को मिला, और जहाँ पर अन्नाथे का प्रोडक्शन हाउस के अंडर में बनने वाले है 169 प्रोजेक्ट। पर दूसरी तरफ कौन होने वाले है इस फिल्म का डायरेक्टर, जहाँ पर एक तरफ नाम आते हैं कन्नुम कन्नुम कोल्ला यादिथल फिल्म डायरेक्टर डेजिंग पेरिया समी का, दूसरी तरफ नाम आते हैं पेट्टा का डायरेक्टर कार्तिक सुब्बाराज का, जहाँ पर दोनों ही अपने अपने स्टोरी को थलाइवे रजनीकांत के पास किया है नैरेट। और रजनीकांत ने इन दोनों डायरेक्टर के बीच में किसी एक डायरेक्टर को अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट डायरेक्ट करने के लिए फाइनलिस्ट करने वाले है। नंबर 6, सर्कस फिल्म का अपडेट। जहाँ पर सर्कस फिल्म है रणवीर सिंह का अपकमिंग कॉमेडी फिल्म, और जहाँ पर लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म पे एक गाना के लिए देवीश्री प्रसाद को फाइनलिस्ट की गई है, और जहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि देवीश्री ने साउथ इंडस्ट्री में एक बिगेस्ट नेम है, और जहाँ पर उन्होंने है एक हीट मशीन, और जिनका कॉम्पोस्ट होता है चार्ट बस्टर्स। और रिसेंटली जहाँ पर उन्होंने बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान का फिल्म राधे का सीटी मार को किया है कॉम्पोस्ट, और जो सबसे फर्स्टेस्ट 50 मिलियन व्यू क्रॉस करके एक नया रिकॉर्ड बनाई है। और अभी इसी कंपोजर को सर्कस फिल्म का एक गाना पर नजाएंगे, यानी कि और एक तेलुगु सॉन्ग का रीमेक होने वाले है बॉलीवुड पर। दोस्तों इसके बारे में आपको क्या कहना है, कमेंट करके बताना। नंबर 5, SSMB 28 का अपडेट। और जहाँ पर टॉलीवुड के सुपरस्टार प्रिंस महेश बाबू ने अपने नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट सरकारी वरीपता को लेकर है काफी बिजी, पर COVID-19 का सेकेंड वेव की वजह से जो शूटिंग अभी पोस्टपोन हो चुके हैं, और अभी उनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट का अपडेट आ चुके हैं। और जहाँ पर प्रिंस महेश बाबू ने अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ, और जहाँ पर ये फिल्म हरिकान हसीनी क्रिएशन के अंडर में बनने वाले है, और इस फिल्म के साथ लगभग 11 साल के बाद दोनों ने और एक बार कोलाबोरेशन करेंगे, और जहाँ पर इसमें प्रिंस महेश बाबू को एक फैमिली ड्रामा के साथ काफी एक्शन वाला अवतार में दिखाया जाएगा। नंबर 4, थुरमुखम फिल्म का नया पोस्टर। जहाँ पर मॉलीवुड का काफी यंग टैलेंटेड एक्टर है निविन पावली, और उनका नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट है थुरमुखम, और इसी प्रोजेक्ट का May 1 पर एक नया पोस्टर रिवील हुआ है। और जहाँ पर ये फिल्म है एक अपकमिंग हिस्ट्रिकल ड्रामा फिल्म, और जिसकी स्टोरी है वर्कर्स के स्ट्रगलिंग पर बेस्ड। नंबर 3, थलापति विजय का एक नया फिल्म का अपडेट। और जहाँ पर रिसेंटली थलापति विजय ने गॉर्जिया पर अपने थलापति 65 का शूटिंग को लेकर काफी बिजी था, और रिसेंटली उनका नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट का एक नया अपडेट आई है। और जहाँ पर रिपोर्ट्स के मुताबिक थलापति विजय ने करने वाले हैं टॉलीवुड का एक पॉपुलर डायरेक्टर वंशी पायदीपाली के साथ एक नया फिल्म का अनाउंसमेंट। और जहाँ पर डायरेक्टर वंशी ने महर्षि, ये वधु ऐसे कई सारे सक्सेसफुल फिल्म में दे चुके हैं, और बता दोस्तों जहाँ पर इसी डायरेक्टर ने अपनी स्टोरी को थलापति विजय के पास नैड किया है, और विजय ने ऑलरेडी एक ग्रीन सिग्नल भी दे चुके हैं, और ये काफी इंटरेस्टिंग होगा जहाँ पर थलापति विजय के साथ एक तेलुगु फिल्म मेकर का कोलाबोरेशन देखने को मिलेगा। पर इससे रिलेटेड कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी भी नहीं है। नंबर 2, स्टारस्टार अल्लू अर्जुन का नया प्रोजेक्ट। और पहले ही बता दो दोस्तों जहाँ पर स्टारस्टार अल्लू अर्जुन अभी काफी सेफ है, और रिसेंटली उनका कोरोना टेस्ट पर रिजल्ट नेगेटिव आई है। और अभी बात करूँ उनका नया प्रोजेक्ट के बारे में, तो रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाँ पर अल्लू अर्जुन ने कोलाबोरेशन करने वाले एक तमिल डायरेक्टर के साथ था दोस्तों, और जहाँ पर पहली बार के लिए अल्लू अर्जुन और डायरेक्टर AR मुरुगादोस को एक साथ नजर आने वाले हैं, और इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले हैं अल्लू अरविंद ने, और ये फिल्म गीता आर्ट्स की बैनर पर बनने वाले हैं, और जो होगा एक ह्यूज पैन इंडियन फिल्म। कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी भी नहीं है। नंबर 1, KGF Chapter 2 का अपडेट।
और जहाँ पर पूरी इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट हाइप अपकमिंग फिल्म है KGF 2 और इसी पैन इंडियन फिल्म के लिए ऑडियंस ने है काफी एक्साइटेड। और बता दोस्तों, जहाँ पर रिसेंटली ताज फालाकुमा पैलेस पर शूटिंग का कुछ पिक्चर सोशल मीडिया पर रहा वायरल और जहाँ पर रॉकस्टार यश ने हैदराबाद पर इसी रॉयल लोकेशन पर कर ली है शूटिंग और KGF 2 का मेकर्स ने इस पैलेस पर कुछ सीन और साथ में एक गाना का शूटिंग कम्प्लीट किया है और जहाँ पर 3 डेज के अंदर इसी सीक्रेट पैलेस पर हुआ है शूटिंग। और इसके बाद दूसरे अपडेट की बात करूँ जहाँ पर ये रिपोर्ट्स था कि इसमें रॉकस्टार यश को हिंदी डब्ड के लिए उन्होंने खुद का वॉइस ओवर करने वाले हैं, पर अभी रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदी डबिंग करने वाले हैं डबिंग आर्टिस्ट संकेत महात्रे ने और KGF 2 पर संकेत ने देने वाले हैं नाना ददन रॉकी भाई यश का वॉइस। तो ये रहा कुछ नया फिल्मों का बड़े अपडेट के बारे में और सभी अपडेट से कौन से सबसे दमदार रहा कमेंट करके बताना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सके बॉलीवुड अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।